हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अनवीज किचन में स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है बिना लहसुन प्याज के बनने वाली मलाई मसाला पनीर। तो चलिए हम अपनी इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 3 लाल टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, हल्दी पाउडर, नमक, कस्तूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, चीनी, 8 से 10 पीस काजू के और घर की फ्रेश मलाई। सबसे पहले हम टमाटर, काजू, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करेंगे। फिर एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून घी, 1 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। जब ये हीट हो जाए तो हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरा को चटकने देंगे। फिर हम उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च को डालकर थोड़ा सुनहरा होने देंगे। उसके बाद हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब प्रोसेस हमें मीडियम आंच पे ही करना है। उसके बाद हम इसमें अपना तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें नमक डालेंगे उसके बाद हम अपनी मलाई को इसमें डालेंगे और इसे चलाएंगे। गैस को हम मीडियम आंच पे ही रखेंगे। जब हमारे मसाले थोड़े से भून जाए तो हम उसमें चीनी डालेंगे और कस्तूरी मेथी को हाथों से रगड़ के डालेंगे जिससे कि कस्तूरी मेथी की खुशबू आने लगे। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाए तब हम उसमें अपना पनीर डालेंगे। और फिर से हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें करीब आधा गिलास के पानी डालेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पे पकने देंगे। अब हमारा मलाई मसाला पनीर बनकर तैयार है और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। हमने धनिया की पत्ती और मलाई से गार्निश किया हुआ है। तो ये है हमारी आज की रेसिपी मलाई मसाला पनीर, जो कि बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।